I am Supreet. I am Pawan. And we have a passion for traveling. We are the traveling couple. और आज है ब्रसल्स का डे. ये है हाले गेट ब्रसल्स के बिल्कुल बीचों बीच और हमारे एयर बीएनबी से ऑलमोस्ट 500 मीटर दूर. तो ये क्या आपको दिल्ली के कैसल की याद नहीं दिलाता? ब्रसल्स का मेन पॉइंट है इनका सेंटर प्लेस, जहाँ पे इनकी सारी ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. तो हमने अपना वॉकिंग टूर लिया था संडे मंथ्स का, जो यहीं से शुरू होता है सुबह 11 बजे के आसपास. तो अभी ये वॉकिंग टूर शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ. ये जो आप देख रहे हैं सिटी हॉल, जो सबसे इम्पोजिंग बिल्डिंग और सबसे पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 13 सेंचुरी के टाइम से बनी हुई. अदरवाइज़ ये पूरा एरिया जो है 1600 में आर्टिलरी फायरिंग, जो इनकी फ्रांस के साथ वॉर हुई थी, उसमें ख़त्म हो गया था. सिर्फ एक सिटी हॉल की बिल्डिंग और इसके ठीक सामने राजा की, स्पेनिश राजा की पुरानी बिल्डिंग बनी है, वो बचे थे. बाकी सब ये 1690s में सारी बिल्डिंग्स इकट्ठे बनी है, इसलिए इनका आर्किटेक्चर काफ़ी मिलता जुलता है. तो ये आप डिफरेंट बिल्डिंग्स देख रहे हैं जो सेंट्रल प्लेस की हैं. इंडिविजुअल बिल्डिंग्स का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आपको वॉकिंग टूर का मज़ा ही नहीं आएगा. एंड ये हमारे संडे मान टूर का टूर गाइड थे, जिन्होंने अबाउट 300 आवर्स का वॉकिंग टूर हमें कराया ब्रसल्स का. एंड सारी मेन स्टोरीज, मेन हिस्ट्रीज बताई. टिंटिन ब्रसल्स का ओरिजिनल बेल्जियम कार्टून कैरेक्टर है, जो अब पूरा वर्ल्ड एंजॉय करता है. सो ये जगह जगह पे दीवारों पे टिंटिन का इन्होंने कार्टून्स बना रखे हैं. इसके बाद हमारा वॉकिंग टूर बढ़ा बेल्जियम के नेशनल सिंबल की तरफ, जो है मैनिकन पिस. इस मैनिकन पिस की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि शायद फ्रेंच इन पे हमला करने वाले थे, उन्होंने पूरे बारूद का फ्यूज जला दिया था और ये छोटा सा बच्चे ने उसके ऊपर सुसु करके पूरे शहर को बर्बाद होने से बचा लिया. पता नहीं कौन सी सच है कौन सी नहीं, खुद बेल्जियम वाले नहीं जानते कि ये किस चीज़ के लिए इतना फेमस है, बट ये इनका नेशनल सिंबल है. अब हमें ब्रसल्स के शॉपिंग एरिया में, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ब्रसल्स का कैनॉट प्लेस है. यहाँ पे यहाँ के हाई फाई ब्रांड्स हैं एंड एक्सपेंसिव शॉप्स, ऑफ कोर्स चॉकलेट्स. सो हमारे टूर ने बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक किया है एंड एक कैफे के सामने, जो एक्चुअल में यहाँ पे बियर बार होता है. पीछे अभी जो हम एरिया से आ रहे हैं वो इनका छोटा दिल्ली या छोटा ब्रसल्स टाइप छोटा एरिया था. अभी दिस इज इनका न्यू दिल्ली टाइप्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला ब्रसल्स का एरिया. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रसल्स का नोटर डेम चर्च, जो इनका मेन चर्च है. इससे काफ़ी मिलता जुलता चर्च नोटर डेम वाला पेरिस का है, काफ़ी सिमिलर आर्किटेक्चर है, ऑल्दो देयर लॉट ऑफ सटल डिफरेंसेस. तो इस वॉकिंग टूर में वही पूरा बताते हैं कि भी किस तरीके से ये पेरिस के नोटर डेम से अलग है और यहाँ ब्रसल्स में इसकी क्या वैल्यू है. ये राजा का शाही चर्च है, जो भी उनके प्रोसेशंस होते हैं, मैरिजेस होती हैं, वो सब यहाँ पे होती हैं. जैसे आप देख सकते हैं चलना बहुत पड़ता है. इस वन डे ऑफ ब्रसल्स में हमारा अबाउट 15 किलोमीटर्स की वॉक थी, 25,000 स्टेप्स. चलने की पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए इन टूर्स पे जाने के लिए, स्पेशली पेरिस, ब्रसल्स और थोड़ा बहुत एम्स्टर्डम में. यह है पैलेस दे जस्टिस, जिसमें अभी रेनोवेशन चल रहा है और जो 1980 से चल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू आवर गाइड 2040 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है. इस पर बहुत पैसा खर्च किया है. और ये ठीक मेरे पीछे है रॉयल पैलेस ऑफ किंग ऑफ द ब्रसल्स. और जो आप पीछे वो झंडा देख रहे हैं, जब भी किंग पैलेस के अंदर होता है तभी झंडा ऊपर होता है, यानी आज किंग अंदर है और उसके बाहर जाते ही ये जो है वो फ्लैग को हटा देते हैं. एंड पब्लिक के लिए ये पैलेस क्लोज रहता है, एक्सेप्ट साल में कोई 3 हफ्ते सिर्फ, जिसमें भी ये सिर्फ इनका ग्रीन हाउस वगैरह है जिसके अंदर जाने थे, इसके अलावा पूरे पैलेस में नहीं जाते और उसमें भी खूब सिक्योरिटी रखते हैं. तो ये टूर ख़त्म होने के बाद इनको आप टिप देना चाहे तो दे सकते हैं, 5, 10, 15, 20 यूरोज का, इट्स योर ऑप्शन. बट अगर आप नहीं भी देंगे कोई ये बुरा नहीं मानते, क्योंकि इनके छाते पे लिखा होता है आपको फ्री टूर्स. रॉयल पैलेस के ठीक सामने है ब्रसल्स पार्क.
काफ़ी बड़ा पार्क है, अगर आपने आराम करना हो वहाँ जाके बैठ सकते हैं जब तक थक जाए, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आते आते काफ़ी हाइट हो जाती है, सो यू कैन गो देयर। अदरवाइज़ यहीं पे सीढ़ियाँ बनी हैं, हम लोग तो यहीं पे बैठ गए थे। और वो पीछे रॉयल पैलेस, उसके ठीक सामने अभी हम आए हैं माउंटेड एस आर्ट, और ये पीछे है आर्ट म्यूजियम का, दीवार पे वो आपको दूर बनी हुई आर्ट दिख रही है, और नीचे का बहुत ही सुंदर गार्डन है, और आप दूर देखेंगे तो वो नॉटर डेम चर्च का गुंबद दिख रहा है जहाँ से हम पैदल चल के आए थे। इनके ओल्ड टाउन की सड़कें पूरी जो है ब्रिक वाली बनी हुई है, कि न्यू टाउन जो रॉयल पैलेस और उनके आस पास का था वहाँ पे प्रॉपर सड़कें हैं। ब्रसेल्स इज ऑल्सो नोन फॉर ए पेस्ट्री जो कि हमारा लेस वर्क है। अब बेल्जियन फ्राइज खाने के लिए हमारे यहाँ फिट्री शॉप, शायद इसका नाम पहले फिटलैंड था, अभी फिट्री हो गया, बट दुकान भी है। एंड ही इज आवर फ्रेंड विद फ्रॉम व्हिच वी आर बाइंग द बेल्जियन फ्राइज। या फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। और आज का हमारा लंच बेल्जियन फ्राइज चिकन पैटी एंड चिकन सैंडविच के साथ, ट्रेन जो हमें लेके जाएगी एटोमियम। अब हमारे ठीक पीछे एटोमियम जो ब्रसेल्स का एक मेन व्यू पॉइंट है, जब भी आप ब्रसेल्स की फ़ोटो डालेंगे, इमेज डालेंगे, आपको ये एक फ़ोटो दिखाई देगी। ये बेसिकली आयरन का एक मॉलिक्यूल है जो 165 बिलियन टाइम्स जिसको बड़ा करके इन्होंने बनाया है। ये 1958 में ब्रसेल्स में वर्ल्ड फेयर हुआ था जिसके लिए इन्होंने बनाया था, और इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूज़ ऑफ साइंस फॉर पीस एंड गुड यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पसेस। अंदर जाने की टिकट बहुत महंगी है, 16 यूरो की, सो मैं बाहर से ही फोटो खींच रहा हूँ, अंदर जाने का प्लान नहीं है। और एटोमियम को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट है यूरोपियन कमीशन की बिल्डिंग के सामने फ़ोटो लेनी है। एटोमियम के ठीक पास में मिनी यूरोप का भी बना हुआ है, एक पार्क टाइप का है जिसमें यूरोप के सारे मेन स्पॉट्स छोटे फॉर्म में स्टैचूज में बनाया हुआ है, आईफिल टावर हो या और कोई चीज़ें, बट ऑनलाइन मैंने जो भी देखा था बच्चों टाइप का है, तो इसलिए मेरा प्लान नहीं बना वहाँ जाने के लिए। हमने ब्रुसेल्स में ट्रैवल के लिए डे पास लिया था, वन डे पास जो 7.8 यूरो का पड़ा, बट आई थिंक उसके लिए वो मोबिलिस करके इनके कार्ड चाहिए होते हैं। लकली हमें एयरबीएनबी के जो हमारे होस्ट थे उन्होंने दो कार्ड उनके पास पड़े थे वो दे दिए, तो उसको हमने रिचार्ज कराया एंड 7.8 अबाउट 15.6 यूरो में, एंड इसलिए अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि कभी हम एटोमियम जा रहे हैं कभी यूरोपियन कमीशन जा रहे हैं, ट्रैम और बस का हॉप ऑन हॉप ऑफ टाइप यूज़ कर रहे हैं। बट जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि वो कार्ड अलग से अगर खरीदने हो तो 5-5 यूरो के पड़ते हैं, स्टिल एक वन वे टिकट इनके 3 यूरो की है, अगर ख़रीदना भी पड़े तो स्टिल अगर इतना घूमना है तो सस्ता पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ग्रैंड प्लेस के पास ही रहना है तो फिर किसी पास की जरूरत नहीं। और अब हम पहुंच चुके हैं यूरोपियन कमीशन के सामने, आपको ये बैकग्राउंड में यूरोपियन कमीशन दिखाई देगा, एंड इनका यूरोपियन कमीशन के वो झंडे पीछे लगे हुए हैं, ये पूरी इनकी बिल्डिंग है। बाय द वे ये बिल्डिंग सिंक हो रही है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर सिंक हो चुकी है, अपरेंटली ये कैनाल और रिवर्स वगैरह थी जिसको इन्होंने टच के बना दी बिल्डिंग, और अब बिल्डिंग डूब रही है, अरे बेचारे घबराए हुए हैं कि बिल्डिंग को बचाना कैसे है। और यूरोपियन कमीशन से निकल के उसके सामने ही पास ही में एक ये पार्क है, पार्क दूस सिन कॉन्टिनेयर, और ये ठीक मेरे पीछे ब्रसेल्स का गेटवे ऑफ इंडिया, बड़ी सी आर्च है बट और सुंदर बहुत है, डिज़ाइन तो गेटवे ऑफ इंडिया से मिलता है। वाफल्स खाते हुए बेल्जियन वाफल्स के साथ, चॉकलेट वाफल्स ब्रसेल्स में। और इसके बाद हम पहुंचे टेलीरियम बार जिसका गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है मोर देन 2000 बियर्स के लिए। यहाँ हमने ट्राई की चेरी एल और फिर जाके बैठे इसके डिफरेंट पार्ट्स में, और ये बेसमेंट वाला पार्ट है जहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे और हमने भी इंजॉय किया। गैलरी से बाहर निकल रहे, इन्होंने 5-6 बिल्डिंग खरीद रखी है, इसलिए अलग अलग पब्स एंड बार्स हैं इनके, और आई थिंक वो बेसमेंट वाला है उसमें सबसे ज़्यादा फन है, उसमें सबसे ज़्यादा रौनक रहती है, म्यूजिक सबसे लाउड है, जबकि ऊपर वाले बहुत शांत टाइप के, 10:45 हो रहे हैं बट रोशनी अभी भी बहुत है,
जैसा कि हम पहले से ही देख चुके हैं पेरिस से, यहाँ पे रोशनी जो है 10:15 बजे तक भी रात को रहती है। अब रात को सोते हो तब भी रोशनी होती है, सुबह उठते हो तब भी रोशनी होती है, लेकिन दुकानें ऐसा नहीं कि लेट तक खुली रहे, जैसे कि वो वेफर फैक्ट्री के साथ हुआ 9 बजे से पहले ही बंद हो गई। दुकानें अपने टाइम पर बंद हो जाती हैं, ये बार वगैरह ही खुले कि बैठ के अब ग्रैंड प्लेस में अंधेरा होने का इंतजार करें ताकि रात के 10 बजे ये है ग्रैंड प्लेस वॉकिंग बैक टू आवर एयरबीएनबी। It's 10:30 at night. Still some light in the sky. People are